बीसीडी एडर, बीसीडी एडर में हम बीसीडी बिट्स लेंगे और उन्हें ऐड करेंगे। ओके सो देखते हैं इसकी वर्किंग। तो पहले आपको बीसीडी एडिशन समझना होगा। जब भी हम बीसीडी एडिशन परफॉर्म करते हैं तो उसके तीन केस होते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर थर्ड। पहले इन तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। तो केस फर्स्ट क्या होगा, व्हेन सम इक्वल टू और लेस देन 9 विथ कैरी 0। जब हम दो बीसीडी नंबर को ऐड कर रहे हैं और उनका सम अगर लेस देन इक्वल टू 9 हो और जो कैरी है वो 0 के इक्वल हो, इन दैट केस हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है अलग से। केस सेकेंड क्या होता है, केस सेकेंड वो होता है कि जब सम आपका 9 से बड़ा हो और कैरी क्या है 0 हो। तो इस केस में आपको 6 ऐड करना पड़ता है। और केस थर्ड क्या है, केस थर्ड वो होता है व्हेन सम लेस देन और इक्वल टू 9, लेस देन और इक्वल टू 9 विथ कैरी इक्वल टू 1। तो इन तीनों केसेस को मैंने इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। और थोड़ी सी डिटेल में और स्टडी करते हैं इनकी। तो पहला केस क्या था, व्हेन सम लेस देन 9 एंड कैरी इक्वल टू 0। तो एक एग्जांपल ले लिया हमने, ये बीसीडी नंबर है 0010 और एक और बीसीडी है 0110। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास सम आ रहा है 1000, और ये 1000 किसके इक्विवेलेंट होता है 8 के। तो यहाँ पर सम क्या है, लेस देन 9। तो ये वाली कंडीशन फिर सेटिस्फाई हो रही है। और कैरी आई क्या यहाँ पर, कैरी नहीं आई है। ओके आप सेकेंड केस देखते हैं। तो एक नंबर लिया 0111 और 0110, इन दोनों को ऐड किया, रिजल्ट आया 1101। तो यहाँ पे कैरी तो 0 है, कैरी 0 है, बट जो सम है वो 9 से बड़ा है, क्योंकि ये किसके इक्विवेलेंट होता है 13 के, डेसिमल में 13 के इक्विवेलेंट होता है। तो सम तो ग्रेटर आ गया 9 से। तो इस तरह के केसेस में क्या करना पड़ता है, जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट के अंदर हमें 6 को ऐड करना होता है। ओके तो 0110 ये 6 होता है, इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1101। ओके अब बीसीडी नंबर में हर डिजिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बिट से। तो यहाँ पे ये फर्स्ट 4 बिट इंडिकेट करेंगी 3 को, और ये जो हमने 3 बिट्स ऐड कर दिए यहाँ पे, तो ये 0001 इंडिकेट करेगा 1 को। तो देखिए आप, ये जो हमने एडिशन परफॉर्म किया था ये 13 के इक्विवेलेंट था, लेकिन ये इन वैलिड बीसीडी नंबर था। और वैलिड बीसीडी नंबर बनाने के लिए जब 6 ऐड किया तो ये वैलिड बीसीडी बन गया। इसको हम 8 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके फर्स्ट 4 बिट 1 के लिए और नेक्स्ट 4 बिट 3 के लिए। तो ये सेकेंड केस हो गया। अब थर्ड केस देखते हैं। एक नंबर लिया हमने 1001, दूसरा लिया 1000, इन दोनों का एडिशन परफॉर्म किया तो हमें मिलेगा 100, देन 1 + 1 0, कैरी आ गई 1। तो इस बार यहाँ पे कैरी आई है, तो ये कैरी आ गई और जो रिजल्ट है वो क्या है, 0001, तो लेस देन 9 है ये। ओके तो ये थर्ड वाला केस हो गया जहां पर सम लेस देन 9 हो और कैरी 1 हो। इस केस में भी ये इनवैलिड बीसीडी कहलाएगा। तो इसको वैलिड बनाने के लिए क्या करना होगा, 6 का एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 6 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा ये 1110, और ये 1 इसके आगे 3 बिट की पैडिंग करेंगे। ओके तो ये यहाँ पे ये हो गया 0001 0001। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 17 को, डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है 17। तो ये हो गया हमारा वैलिड बीसीडी नंबर। अब एक बार आपने बीसीडी एडिशन सीख लिया, तीनों केसेस को देख लिया, अब हम सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम को आप समझे, बीसीडी एडिशन के लिए हमने 4 बिट बाइनरी एडर को यूज किया है। 4 बिट बाइनरी एडर में इनपुट क्या आता है, एक ए वर्ड होता है, एक बी वर्ड होता है। इस वर्ड को अगर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में लिखे हैं तो कैसे लिखते हैं, A3 A2 A1 A0, इसको कैसे लिखा जा सकता है, B3 B2 B1 B0। तो यहाँ पर 4 4 बिट के वर्ड है ये, इस बाइनरी एडर में आएंगे। तो बाइनरी एडर का आउटपुट क्या होता है, सम आउटपुट S3 S2 S1 S0, और एक कैरी भी आउट भी होता है। ओके जब मैंने आपको लुक अहेड कैरी जनरेटर पढ़ाया था तो उसमें ऐसा ही होता है, ये 4 बिट और ये 4 बिट ऐड होती है, सम आउटपुट मिलता है, कैरी आउटपुट मिलता है।
अब यहाँ पर ये जो सम आउटपुट आया है, इसको चेक करना होगा कि ये वैलिड बीसीडी है या नहीं। तो इसको चेक कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये जो सम आउटपुट होता है इसको हम देते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में, यहाँ पर चेक करते हैं कि ये वैलिड है या नहीं। अगर ये वैलिड होता है, ठीक है, तो ये एस थ्री एस टू एस वन एस जीरो डायरेक्टली यहाँ पर जाएगा। और फिर एक और हमने 4-bit बाइनरी एडर यूज़ किया है, तो इसमें हम सीधे 0 ऐड करेंगे क्योंकि ये वैलिड है और ये यहाँ पे आपको करेक्ट आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर ये एस थ्री एस टू एस वन एस जीरो यहाँ पर हमने चेक किए और ये वैलिड नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को ऐड करना पड़ेगा। और 6 को किस में ऐड करना पड़ेगा, जो प्रीवियस आउटपुट आया था उसमें। ओके, तो 6 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमें करेक्ट बीसीडी मिलेगा। तो हमें ये डिज़ाइन करना है ये वाला कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन कैसे करते हैं, ये प्रोसेस देख लीजिए आप। यहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग के लिए ट्रूथ टेबल बनाई है। तो चेक किसको करना है, चेक करना है सम आउटपुट को। तो एस थ्री एस टू एस वन एस जीरो ये सम आउटपुट है, ये सम इनपुट है, एज ए इनपुट एक्ट करेगा ना ये। ओके, एस थ्री एस टू एस वन एस जीरो को चेक करना है। तो यहाँ पर इस ट्रूथ टेबल में ये इनपुट की तरह ऐड करेगा। ये कितने बीट है, 4। तो 4 बीट के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 16। तो 0000 से लेकर 1111 तक आप 16 इनपुट कॉम्बिनेशन बना ले। ओके, 0 से लेकर अगर 9 तक इनपुट है, ये सम बीट अगर 0 से लेकर 9 तक है, मीन्स सम लेस देन और इक्वल टू 9 है, तो इस केस में तो जो y है वो 0 रहेगा, y आउटपुट। हमें कुछ भी नहीं एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, हमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है। बट जैसे ही सम 9 से बड़ा होने लगता है, ये जो सम बीट से ये 9 से ग्रेटर होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाई आउटपुट को 1 पे सेट करना होगा। ओके, तो ये लॉजिक हम यूज कर रहे हैं। अभी मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, जब भी लेस देन इक्वल टू 9 होता है तो उस केस में आपको 6 ऐड नहीं करना होता है, लेकिन जैसे ही 9 से बड़ा होता है तो उस केस में आपको 6 ऐड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, वाई आउटपुट को 1 पे सेट करेंगे। अब इसके करिस्पॉन्डिंग हम केमैप बनाएंगे। तो केमैप कैसा बनेगा, 4 वेरिएबल केमैप बनेगा। 4 वेरिएबल्स क्या है, एस थ्री एस टू एस वन एस जीरो। एस थ्री एस टू को यहाँ लिया, एस वन एस जीरो को यहाँ लिया, 0001110, 0001110। इस 00 को लिख सकते हो आप एस थ्री बार एस टू बार, ये आ जाएगा एस थ्री बार एस टू, एस थ्री एस टू, एस थ्री एस टू बार। फिर ये 00 लिख सकते हो आप एस वन बार एस जीरो बार, एस वन बार एस जीरो, एस वन एस जीरो, एस वन एस जीरो बार। अब यहाँ पर हमें केमैप को फिल करना है। तो 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 आ रहा है 10 11 12 13 14 15 के करिस्पॉन्डिंग। तो ये होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पे 1 फिल कर दिया। अब पेयरिंग करेंगे, तो पहले इन 4-1 का क्वाड बनाएंगे हम, ठीक है, ये बन गया। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एस थ्री एस टू, तो ये एस थ्री एस टू बाहर। फिर इन 4 सेल्स का हम बनाएंगे क्वाड, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आ जाएगा एस थ्री एस वन, एस थ्री तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, फिर एस वन यहाँ से कॉमन आएगा। तो आपको इस आउटपुट की इक्वेशन मिल जाएंगी, y इज इक्वल टू एस थ्री एस टू प्लस एस थ्री एस वन। तो ये जो कॉम्बिनेशन लॉजिक हमें इम्प्लीमेंट करना है उसकी इक्वेशन मिल गई है यहाँ पे। अब हम इम्प्लीमेंटेशन चालू करते हैं। तो ये है हमारा बी सी डी एडर का कंप्लीट सर्किट डायग्राम। ये 4-bit एडर यहाँ पे था, ये बी थ्री बी टू बी वन बी जीरो, ये वर्ड ए वर्ड बी और ये वर्ड ए आया, इन दोनों का एडिशन परफॉर्म हुआ, एस थ्री एस टू एस वन एस जीरो सम आउटपुट मिला। इसको चेक करना है, तो इसको भेज दिया हमने इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में यहाँ पे, ठीक है। एक हमें सम को भी चेक करना पड़ता है और कैरी को भी चेक करना पड़ता है, तो सम और कैरी दोनों को हम इस कॉम्बिनेशनल लॉजिक में भेजेंगे। तो हमने क्या लॉजिक निकाला था, वाई आउटपुट कैसा होना चाहिए, एस थ्री एस टू एस थ्री एस वन, है ना, एस थ्री एस टू प्लस एस थ्री एस वन। ये लॉजिक किसको चेक करने के लिए होता है, सम आउटपुट को। ओके, तो यहां पर देखिए आप, ये एस थ्री और एस टू से जुड़ा हुआ है, तो इस एंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, एस थ्री एस टू, और ये एंड गेट में इनपुट क्या आ रहा है, एस थ्री और एस वन आ रहा है।
तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, एस थ्री एस वन। जब इसको और गेट से पास कराएंगे यहाँ पे, तो इस और गेट का ये आउटपुट यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, एस थ्री एस वन प्लस एस थ्री एस टू, ये मिल जाएगा। तो ये लॉजिक इंप्लीमेंट हो गया। तो ये लॉजिक सिर्फ क्या चेक करेगा, इन सम को, इस सम को, है ना, सम बिट्स को, ये नाइन से बड़ी तो नहीं है, लेकिन कैरी को भी चेक करना है। क्योंकि अगर आप ये सारे पॉइंट्स देखें, केसेस देखें, तो यहाँ पे कैरी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सम को तो चेक कर लिया हमने, अब कैरी को चेक करने के लिए कैरी को भी और गेट में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ से जो कैरी आती है इसको भी और गेट में दिया, तो यहाँ से ये कैरी भी इसमें ऐड हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट लॉजिक कैरी को भी चेक कर रहा है और इसको सम के आउटपुट को भी चेक करेगा। नाउ ये जो आउटपुट जा रहा है इसको हम इस लॉजिक में भेज रहे हैं। यहाँ पे देखिए बी थ्री बी टू बी वन बी जीरो, ये भी 4-bit बाइनरी एडर है। तो ये जो सम आउटपुट आता है डायरेक्टली इसमें आ जाएगा। तो एक इसको 4-bit का तो ये इनपुट मिल जाएगा, और इसको 4-bit का दूसरा इनपुट चाहिए तो वो इस लॉजिक से मिलेगा। तो ये आउटपुट को हमने सीधे यहाँ पे दे दिया, बी टू और बी वन से कनेक्ट कर दिया, और बी थ्री और बी जीरो को हमेशा जीरो पे रखा है। ठीक है, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, मीन्स ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो पे। तो ये वाली बीट तो जीरो है, ये वाली बीट हमेशा जीरो है। बी टू और बी वन अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। ओके, तो अब वर्किंग देख लेते हैं हम। तो पहला केस लेते हैं, पहला केस मान लेते हैं कि सम है लेस देन 9 और कैरी कितनी है, जीरो। तो फर्स्ट केस के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट केस क्या लिया हमने, ये वाला जिसमें सम लेस देन 9 है। तो मान लेते हैं यहाँ पे सम आ रहा, आउटपुट आ रहा है आपका 1 0 0 0। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 8 के। तो इट इज लेस देन 9 और कैरी मान लेते हैं कितनी आ रही है, 0। तो ये फर्स्ट केस को सेटिस्फाई कर रहा है ना, यहाँ पे बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब आप देखिए एस थ्री 1 है और S2 कितना है, 0। तो इस एंड गेट का आउटपुट कितना आएगा, यहाँ पे 0। फिर ये S1 कितना है, यहाँ पे 0। तो इस एंड गेट का आउटपुट भी कितना आएगा, 0। ओके, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया प्रोडक्ट। और यहाँ से कैरी आ रही है, तो इस कैरी भी कितनी हो गई, 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इस और गेट का जो आउटपुट है वो हो गया 0। फिर ये 0 इस तरफ आ रहा है, तो ये बी टू और बी वन बीट भी क्या हो जाएंगी, 0 एंड 0। इट मीन्स कि ये जो S3, S2, S1, S0 यहाँ पे आ रहा था एज ए इनपुट, ये करेक्ट है। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है, मीन्स जीरो ऐड कर रहे हैं, है ना। क्योंकि केस फर्स्ट के अंदर तो हम कुछ भी एडिशन परफॉर्म नहीं करते हैं ना, यही करेक्ट बीसीडी होता है। तो इसमें जीरो ऐड होगा, तो S3, S2, S1, S0, ये जो करेक्ट बीसीडी है, यहाँ पे क्या आ रहा है, करेक्ट बीसीडी, वो इसी के इक्वल रहेगा। अब केस सेकेंड देखते हैं। केस सेकंड के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर देता हूं ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, इसको भी क्लीन कर देते हैं, यहां पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब जो केस सेकंड है हमारा, केस सेकंड में हम सम ग्रेटर देन 9 लेते हैं। तो मैं ले लेता हूं यहां पे 1010। लेट अस अज्यूम कि सम कितना आ रहा है, 1010 ग्रेटर देन 9, और कैरी कितनी है, 0। कैरी आ रही है 0। तो यहाँ पे एस थ्री की वैल्यू 1 है, एस टू की वैल्यू 0 है, तो ये आउटपुट आएगा 0। एंड गेट का एक भी इनपुट 0 होगा तो 0 होगा। फिर इसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पे देखो एस वन भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इस एंड गेट का आउटपुट तो आ जाएगा 1। फिर ये जो प्रोडक्ट टर्म है ये आ गई 0, ये प्रोडक्ट टर्म क्या आ गई, एस थ्री, ये वाली 1 आएंगी और ये वाली आ गई 0। ओके, अब कैरी कितनी है, 0। तो यहाँ पे इस और गेट का आउटपुट कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ पे कितना मिला, 1। तो बी टू और बी वन भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 1 और 1। तो आप देखिए नंबर कौन सा बन गया, 6 बन गया, 0110। यही तो चाहते थे हम कि अगर सम ग्रेटर देन 9 हो और कैरी इक्वल टू 0 हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस इनकरेक्ट बीसीडी के अंदर, इस इनकरेक्ट नंबर के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, 6 ऐड करना है। तो अब यहाँ पे ये 6 ऐड होगा 4-bit बाइनरी एडर से, और फिर यहाँ पे आपको करेक्ट बीसीडी मिलेगा। केस थर्ड भी देख लेते हैं, है ना। केस थर्ड को देखने से पहले इसको क्लीन कर दें। केस थर्ड क्या बोलता है, केस थर्ड ये बोलता है कि अगर सम लेस देन इक्वल टू 9 हो,
तो सम को लेस देन इक्वल टू 9 कर देते हैं, मीन्स यहाँ पे ले लेते हैं 0 1 1 1, इट इज इक्वल टू 7। और कैरी 1 कर देते हैं, तो कैरी हमने 1 कर दी। इस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ से तो 0 आ रहा है, तो इसका तो आउटपुट 0 हो गया। तो यहाँ पे एक तो ये है 0, ओके, तो इसका भी आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों ही टर्म कितनी मिल रही है, 0, बट कैरी इस बार कितनी है, 1। तो यहाँ पे कैरी ऐड होंगी, तो ये आउटपुट कितना आ जाएगा, 1। अब ये 1 आउटपुट आएगा, तो यहाँ 1, यहाँ पर 1, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, 6 के। तो ये जो 4 बिट बाइनरी एडर है सेकेंड वाला, क्योंकि ये इनकरेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट बीसीडी आउटपुट है, तो यहाँ पर 6 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट बीसीडी मिल जाएगा। इस प्रकार से सर्किट काम करता है। तो यहाँ पर हमने इसकी डिजाइनिंग और वर्किंग दोनों डिस्कस कर लिया है, ओके।